दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइब्रोमायल्जिया। फाइब्रोमायल्जिया एक पुरानी स्थिति है जिसमें शरीर में व्यापक दर्द होता है, थकान और अन्य लक्षण भी होते हैं। लक्षण क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि व्यापक थकान, दर्द, अनिद्रा, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, अवसाद, चिंता, एकाग्रता की कमी, याददाश्त की कमी, कंसंट्रेशन और मेमोरी की कमी हो जाती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजिकल असंतुलन, इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन, इंसुलिन प्रतिरोध, सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव, जेनेटिक प्रवृत्ति। अगर पिताजी को था तो बेटे को भी होगा, माँ को था तो बेटे को भी होगा। पारिवारिक इतिहास अगर होगा तो ये जरूर आता है। अब आइए हम चलते हैं कि होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ हैं। आर्निका जो है सबसे पहली दवा है जो दर्द और सूजन के लिए है। बेलोडोना दर्द और थकान के लिए। कैल्केरिया काब मांसपेशियों में दर्द के लिए। ग्रेफाइटिस थकान और अनिद्रा के लिए। अवसाद और चिंता ये आती है आपके इग्नेशिया में। हार्मोनल असंतुलन में बहुत अच्छा कार्य करती है आपकी पल्सेटा और सिपिया। ट्रीटमेंट अप्रोच संवैधानिक उपचार, दर्द प्रबंधन, थकान प्रबंधन, अनिद्रा प्रबंधन, जीवनशैली संशोधन। इससे आप अगर ठीक रखें तो आप काफ़ी हद तक अच्छे और निरोग रहेंगे। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, तनाव से दूर रहें, वजन अगर बढ़ रहा है तो उसे ठीक रखें, अगर कम हो रहा है तो उसको देखें कि क्यों कम हो रहा है। अत्यधिक कैफीन और चीनी का उपयोग ना करें। अब आप कुछ परीक्षण भी करवाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कि रक्त परीक्षण करवाते रहें, एक्सरे और एमआरआई भी करवा लें, न्यूरोलॉजिकल परीक्षण करवाएं, जैसे ईजी हुआ, एनसीवी हुआ, ये सारे टेस्ट भी करवाते रहें, हार्मोनल असेसमेंट टेस्ट भी करवाते रहें और थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाएं। याद रखें अगर इस तरह की कोई आपको परेशानी है तो आप होम्योपैथी जरूर अपनाएं और अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वो आपको सही ढंग से इलाज कर पाएँ। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।